रेहड़ी पर एक चाय की स्टॉल लगाने वाले पर बैंकों का 50 करोड़ 76 लाख का लोन। ये सुनकर आप चौंक गए होंगे, शायद ये बात आपको हजम भी नहीं होगी, लेकिन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक चाय वाले के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल दयालपुर निवासी राजकुमार ने 50,000 रुपए के पर्सनल लोन के लिए एक फाइनेंस कंपनी में अप्लाई किया था। कंपनी के लोन देने से मना करने के बाद जब इसका कारण पता चला तो राजकुमार के होश उड़ गए। उस पर 50 करोड़ 76 लाख रुपए का बैंक लोन निकला। मेरा रिजेक्ट हो गया फार्म और उनका पास हो गया। रिजेक्ट होने का कारण उन्होंने ये बताया कि मेरे ऊपर काफी सारे लोन पहले ही पेंडिंग है, इसलिए मेरा लोन नहीं हो सकता। राजकुमार ने बताया लॉकडाउन के कारण कई महीने से कामकाज ठप था, लिहाजा उसने रेलवे रोड स्थित उज्ज्वला इस्माइल फाइनेंस बैंक में 50,000 का लोन लेने के लिए अप्लाई किया था, ताकि इस पैसे से जो भी किराना दूध अन्य देनदारियां हैं उन्हें उतारा जा सके। राजकुमार ने बताया उसके गांव के अन्य कई लोगों का तो लोन पास हो गया, लेकिन उसका लोन बैंक ने रिजेक्ट कर दिया। इस संबंध में बैंक में पता करने गया तो उसे बैंक में बताया गया आपको लोन नहीं मिल सकता, कारण आपके नाम से पहले कई लोन है, आपका रिकॉर्ड सिबिल में ठीक नहीं है। ये पता चलने पर उसे एक बार तो हैरानी हुई, क्योंकि उसके नाम केवल मुद्रा योजना के तहत 20,000 की लिमिट उसने बनवाई है, वो समय पर उसकी अदायगी करता है, अन्य कोई लोन उसके पास नहीं है। इसके बाद उसने अपना सिबिल रिकॉर्ड चेक करवाया तो पता चला सिबिल में उसके नाम 50 करोड़ 76 लाख के कई लोन चल रहे हैं। ये सुनकर उसके पांव तले जमीन खिसक गई। फिर मैंने चेकिंग कराई जी, सिबिल निकलवाया जी, स्कोर निकलवाया किसी से, तो उसमें ये सारी डिटेल पाई गई भी कहाँ कहाँ लोन है। उसमें बैंक के तो लोन नहीं, नाम नहीं लिखा है, लेकिन लोन लगभग 50-51 करोड़ रुपए के लोन उसमें दिखाए गए हैं, जो मेरे द्वारा नहीं लिए गए हैं, वो मेरे ही नाम के अलग अलग लोगों के हैं, जो पता नहीं कैसे मेरे नाम जुड़ गए हैं वो। ये राजकुमार ने कहा ये जिस भी स्तर पर लापरवाही हुई है, लेकिन इससे उसकी परेशानी बढ़ गई है। राजकुमार का कहना है वो 33 गज के मकान में रहता है, साइकिल के अलावा उसके पास कोई व्हीकल भी नहीं है, लिहाजा सिस्टम की इस खामी से पूरा परिवार परेशान है। चाहकर भी जरूरत के समय वो किसी बैंक से लोन नहीं ले पा रहा है। राजकुमार ने इस खामी को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की मांग की है। उधर बैंक अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है।